घटना है, थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दो रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए और काले रंग का बैग लिए है तथा इंदौर जाने के लिए खड़ा है। उसके पास बैग में मादक पदार्थ है। इसी सूचना पर उन्होंने देना। विशेष प्रावधान जो दिए हैं मैंडेटरी, उनका पालन किया गया। पालन करने के ठीक बाद फिर अस्पताल चौराहा पर पहुंचे। वहां पर द्वारा बताया भैया का व्यक्ति मिला बैग लिए काला, जहां पर उन्होंने पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद मुमताज आलम कहता, मोहम्मद अब्दुल सलाम निवासी मोतिहारी बताया। और जब उसको सूचना बताकर तलाशी दी गई तो उसके पास 6 किलोग्राम कुल मिला के अलग अलग पैकेट, कुल वजनी 6 किलोग्राम चरस पाई गई। इस चरस के संबंध में उसके पास कोई परिवहन और उसका लाइसेंस नहीं था। तो उपरांत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी जब्ती की और वापसी को लगा पेट्रोल बंदी को धारा 8/31। सर क्या कीमत है इसकी और इसका लगभग क्या कुछ रिकॉर्ड है जो बंदा 30 लाख है आपराधिक रिकॉर्ड। तो मोतिहारी का जो संबंध थाना है जहाँ का निवासी है, वहां से पता करना पड़ेगा इसके पुराना रिकॉर्ड है या नहीं। सर अचानक ड्रग्स के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, नशीली दवाइयां और इस तरह का। ड्रग्स के पेडलर के रूप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ला करके बेचते हैं। पुलिस का लगातार इस पर ध्यान है और इसी ध्यान के तहत ही सफलताएं अर्जित हो रही है। पिछली बार भी एक सफलता पुलिस कोतवाली द्वारा अर्जित की गई थी, उसी दिन हुए अभी, और ये उसी कार्रवाई। सर इसको कहाँ खपाने की तैयारी थी और क्या लोकल स्तर पर इसका कोई ऐसा सपोर्ट था? ऐसा सूचना थी कि ये इंदौर ले जाने वाला है। अब से पूछताछ की जाएगी, अभी बेचना प्रारंभिक स्तर पर है।